अज अस गल करन वाले आए पछेती गंदम केड़ी है उदी एवरेज क्यों कम आंदी है। और अक्सर सारे दोस्त याद है भाई यार अस पछेती गंदम तो खर्चा भी कीता है लेकिन उदी एवरेज कम आई है। तो उंदा सब तो मेजर केड़ा मत मसला आंदा है ओ मसला आंदा है उस दा सिट्टे दा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करें सारे दोस्त खरीयत नाल होसो। मैं नजीर रजा तुसा लेदे पे YouTube चैनल एग्रीकल्चर लाइफ। आज दी वीडियो शुरू करण तो पहले रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो और बेल आइकन दबा गिनो। नवंबर दी 20 तारीख तक जेडी भी असा गन्ना काश्त करे ने ओ इस टाइम फरवरी दे विच आके फरवरी दे महीने दे विच आके ओ अपना सिट्टा काट गिंदी है। जिस टाइम फरवरी दे महीने दे विच आके अपना सिट्टा कढेंदी है तो इस टाइम फरवरी दा केड़ा तकरीबन दर्जा हरारत होंदा ना सारे कोलू दर्जा हरारत सेंटीग्रेड 20 ताईं रहंदा है। जिस टाइम 20 सेंटीग्रेड ताईं दर्जा हरारत रहंदा है तो ओ एक आइडियल है और गंदम दी फसल वास्ते बहुत अच्छा दर्जा हरारत है। और इस दे विच ओ जिवें सिट्टा कढेंदी है उसको बहुत अच्छा माहौल मिलता है और उस नाल ओ अपने मतलब सिट्टा कढेंदी है उदो ते पोलिनेशन दा अमल थींदा है और उंदे दाणा दी भराई ओ जबरदस्त तरीके नाल थी वेंदी है। हुण ए मैं तो गंदम दिखांदा पिया ए सारी जिहड़ी गंदम है ए सेम मतलब यानी कि मौसमी गंदम केड़ी मैं आदा पिया अक्टूबर नवंबर दी काश्त है केड़ी ना ए हुण एदे पवे तो सा अज 17 फरवरी नु इस अपना सिट्टा तकरीबन काढ आई कढेंदी वदी ए हुण तुसा दिखा सकदे वे दिखा रहे हो जे इन नु सिट्टा ए तकरीबन सारा ही में सिट्टा निकलेंदी पई। हुण अज दा केड़ा टेंपरेचर है ओ 20 है ठीक है 20 टेंपरेचर दे विच अपना मतलब यानी कि सिट्टा इस कड्डा ही हुण पोलिनेशन दा अमल अपना करे सी ओ तकरीबन 20 21 22 24 ताई यानी कि 2-4 सेंटीग्रेड उत्ते या तल्ले मतलब ए एक दर्जा हरारत इंदा जबरदस्त है। हुण इना को परले साइड वाले दिखा दो गंदम जी ए पर दिखा दो हुण ओ तुसा गंदम लीटी ओ साडी इस गंदम तो पिछे ही है लेकिन ओ ज्यादा लेट नहीं लेकिन वो इस तू पिछे ये उस अजे तक कोई सिट्टा को नहीं कड़ा ठीक है। तो ओ या इस तू मजीद कड़ियां लेट कण का इन कि मैं गन्ने रकबे ते काश्त कने या दिसंबर दे विच काश्त कीती है सारा ना यानी यकम दिसंबर तू कड़ियां कण का लेट काश्त ताई नो लेट कण का इन उन्ना दा केड़ा हुन सिट्टा निकलना ओ सिट्टा निकल सी तरीजा महीना यानी कि मार्च दी महीने दे विच यकम मार्च तू बाद जितने भी सिट्टा निकल सी ओ केड़ा निकल सी ओ तकरीबन उस टाइम दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड ते पहुंच वेंदे जिवें 30 सेंटीग्रेड ते दर्जा हरारत पहुंचदा है तो ओ कणा की के एहसास फसल है ठीक है ना इन तो केड़ा ज्यादा दर्जा हरारत थी वेंदे इन विच ओ सिट्टा उस लेवल दा नहीं निकल सकदा जितना सिट्टा लंबे निकलना होंदे और वला उस दे विच उतना पोलिनेशन दा अमल नहीं थी सकदा जिस टाइम पोलिनेशन दा अमल उतना नहीं थी सकदा वत कुछ थींदा है उस नाल सिट्टा कुछ खाली रह वेंदे कुछ उंदे विच आ थी वेंदे पोलिनेशन दा अमल उस तो बाद दाने की कड़ी भराई है वो उस लेवल की नहीं थी बनी होती किमें इस दर्जा हरारत मिलता है और इस दी थी हूँ इस टाइम केड़ा इस सिट्टे कड़ी कड़न इस ये तो बड़े नॉर्मल मौसम तक कड़ी कड़न 20 सेंटीग्रेड तक कड़ी कड़न और वो वन कड़े सी तकरीबन 30-32 और अल्लाह ना करे 35 भी थी सकते और इस मतलब इस तो भी उत्तम आ सकता है तो मार्च कै टाइम कै साल आके बहुत ज्यादा टेंपरेचर थी आवेंदे जिमें ज्यादा टेंपरेचर थी उस पछेती गंदम नु नुकसान थींदा है। तुसा करना क्या है पछेती गंदम नु खास तौर ते तुसा उसको यूरिया ज्यादा पावना है। यूरिया क्यों ज्यादा पावना है क्योंकि उसका केड़ा फोटोसिंथेसिस दा अमल है खुराक बनावण दा अमल है या उसका सिट्टा बनावना है तो उस टाइम अगर टेंपरेचर हाई थींदा है तब यूरिया अगर उसको लो सी तो उसका वो फोटोसिंथेसिस दा अमल जारी रहा सी और वो खुराक बनांदा रहा सी पत्ता पत्ता जी में खुराक बनांदा रहा सी तो उसका सिट्टा भी इंशाल्लाह बहाल थी वैसी और उसनु तुसा लाजमी तौर ते पोटाश पावनी है लिक्विड पोटाश दा स्प्रे भी करना है तुसा किवें कैटालिस्ट एनालिस्ट वगैरह पिछली वीडियो दे विच मैं तुहानू दस्सिया ओ करना है और उस दे नाल तुसा पोटाश 5 किलो दा केड़ा बैग है तुसा 1.5-2 किलो ते उसको फ्लड करना है। पोटाश क्या करेंदी है पोटाश इक तां उसको उदा कद यानी कि सही करेंदी है बराबर करेंदी है उसका कद एक ज्यादा नहीं करेंदी फसल दा खा मुक्ति कद नहीं करेंदी केड़े वजह तो ढाए वेंदे एक और दूजा यह भाई उनका मेजर काम है पौधे को ठंडा रखेंदी है ठंडे का मतलब है भाई वह पौधा केड़ा उनके विच अगर बाहर का टेंपरेचर ज्यादा थी गई है तो 2-3 सेंटीग्रेड उसको यानी कि गंदम नु वो तलना रखे सी गंदम ठंडी रहा सी थोड़ी और उस दे नाल थोड़ा वो सिट्टा बढ़ावण का अमल सिट्टे के विच दाने की भराई और सिट्टे का वजन वो थोड़ा अच्छा हो सी उस हवा इस हवाले नाल पछेती गंदम दी तुसा एवरेज इस मौसमी गंदम जितनी तो नहीं वे गिन सकते लेकिन यह है भाई तुम अच्छी गिन सकते वे अच्छी उस वजह तो गिन सकते अगर उनको यूरिया भी एक्स्ट्रा पाओ थोड़ा जितना
और वो थोकू पोटाश के लिए वो लाजमी तुसा पाओ और बेहतर हो संगे दा पोटाश दा स्प्रे भी करो, ता इंशाल्लाह थारी पछेती गन्ना भी अच्छी एवरेज दे वैसी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।